वीडियोस पर एक कमेंट जो है वो कॉमन रहता है। वो कमेंट क्या है कि सर आपका एक मॉडल है 3175 VA, दो बैटरी वाला ये मॉडल है, PWM टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, और इसके लिए कंपनी ये दावा करती है कि इस वाले आप सोलर इन्वर्टर पर आप कोई भी 1 HP का सबमर्सिबल पंप चला सकते हैं, 1 ton का AC आप इसके ऊपर चला सकते हैं, और अगर आपका कोई इस तरह का लोड है कि जो मतलब एक शॉर्टन टाइम के लिए है, 10-20 सेकंड के लिए है, तो आप इस पर अप टू 2 kW लोड भी आप इसके ऊपर चला सकते हैं। तो अब वो जो बात है वो जो जिन्होंने प्रोडक्ट हमारा यूज कर लिया है तो उनके लिए तो वो बात सही है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लेना चाहते हैं प्रोडक्ट को, अभी भी उनको डाउट है कि पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा और कितना काम करेगा या पैसा हमारा कहीं गलत जगह तो खर्च नहीं हो रहा है। तो सभी मैंने और भी लोगों के जो वीडियोज़ हैं उन पर भी मैंने देखा है कि लोगों की डिमांड है कि आप एक 3175 जो इनका मॉडल है उसका लोड टेस्ट वीडियो सर बनाइए, उसका एक लाइव डेमो बनाइए। तो फ्रेंड्स आज आपकी रिक्वेस्ट पर मैं खुद 3175 जो मॉडल है अपना, जो कॉपर वाला मॉडल है इसका, वो मैंने खुलवाया है और एक 3 HP की मोटर है वो मंगवाई है। एक हमारे यहाँ पे पड़ोस वाले एक हैं वो मैकेनिक हैं मोटर के, तो यहाँ पे जो चारा होता है, जो चारा काटते हैं जिस मोटर से, वो वाली मोटर है, सिंगल फेस है और 3 HP की मोटर है। तो मतलब इसको चलाने के लिए एटलीस्ट 3 kW के आपको सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, और चूंकि इन मोटर में जर्क लोड बहुत ज़्यादा होता है तो इवन 4 kW तक की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो आज इस 3 HP की जो मोटर है, इस वाली मोटर पे हम लोग 3175 कॉपर मॉडल को टेस्ट करेंगे कि क्या जो दीपक चौधरी यूट्यूब पे दावा करता है क्या वो दावे सही हैं। मैं अपने दावों को आज आपके सामने खुद ही उस पर एक्सपेरिमेंट करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो मैंने बोला है YouTube वीडियोस में, आप लोगों को बताया है, उसमें सच्चाई कितनी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं कोशिश ये करूंगा कि हर एंगल से आपको दिखाऊं कि आपको ये पूरा तरीके से सेटिस्फेक्शन मिले कि जो आपको बताया गया है या नेक्सस कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सारे दमदार हैं, बेजोड़ हैं, उनकी क्वालिटी बेमिसाल है। तो आपका आज ये वीडियो आप लास्ट में देखिए, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादातर लोगों से आप इसको शेयर करें, ताकि जानकारी है, जानकारी जितना बढ़ती है, जितने ज़्यादा लोगों को हो जाए उतनी अच्छी बात है, उसमें कहीं किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये मोटर मैंने मंगवा ली है, ये आप देखेंगे UTL की 2 C20 की बैटरी इस पर मैंने लगवाई है। इस पर जानबूझ के नेक्सस की बैटरी नहीं लगवाई है, वो इसलिए क्योंकि जो कुछ लोग क्रिटिक्स होते हैं तो उनका ये होता है कि सर आप पता नहीं अपनी C10 बैटरी यूज़ कर रहे हैं, या मोस्टली तो हमारे पास C20 बैटरी होती है, C10 बैटरी ज़्यादा दमदार होती है, तो कम दमदार बैटरी के साथ में मैं इसको आपको टेस्ट कराऊंगा। तो अभी आप ये देखेंगे कि मैंने मोटर शुरू करा दी है, और इसको मोटर को क्या है कि इसका जर्क लोड है क्योंकि तो इस पे जो आप देख रहे हैं हाथ मारा जा रहा है मोटर पे ताकि इसका जर्क लोड कम हो जाए। तो पहले हम इसका जर्क लोड कम करके देखेंगे कि जर्क लोड मोटर का जब कम हम कर देते हैं तो ये कितने एम्पियर तक हमारा लोड चला रही है। तो आप देखिए क्लैंप मीटर मैंने इसीलिए लगाया हुआ है कि ये आपका 8 एम्पियर तक कैसा लोड चलाया है। अभी इसको बहुत सारे मैं इसके साथ में टेस्ट करूंगा कि अभी तो ये जर्क हमने इसका बिल्कुल कम कर दिया था, अब मैंने इसको हाथ बंद कर दिया है, लड़के को मना किया है कि वो हाथ ना लगाए इस पे, तो या फिर थोड़ा हल्का कम सपोर्ट दे इसको, तो थोड़ी सी सपोर्ट के साथ में चूँकि इसका लोड बढ़ेगा, देखिए ये लोड बढ़ गया इसका, अभी 8 एम्पियर था, अभी 9.2 एम्पियर हो गया इसका लोड, हल्का हमने मतलब इसको जर्क जो है उसको हाथ से सपोर्ट दे दिया है इस मोटर को, तो 9.2 एम्पियर का लोड, 9.2 एम्पियर एंड मल्टीप्लाई अगर आप 220 वोल्ट से करेंगे तो 2 kW का लोड हो जाता है, मतलब 2 kW का लोड ये रनिंग आपको चला रहा है कंटिन्यूसली। किसी भी सिस्टम की जो पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो इस बात से जज की जाती है कि वो मैक्सिमम कैपेसिटी को कितने टाइम तक रन कर पा रहा है, क्योंकि जो सिस्टम्स होते हैं अब उसमें क्या दिक्कत होती है कि जैसे ही वो सिस्टम जो है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे आता है वो ट्रिप कर जाएगा, पर आप देखेंगे कि ये सिस्टम जो है हमारा 9.2 एम्पियर तक अभी इसको कुछ सिस्टम को कंटिन्यूसली चला रहा है, ट्रिप नहीं कर रहा है। मैं सिस्टम बंद कर देता हूँ, और सिस्टम बंद करने के बाद में इसको फिर से हम चेक करेंगे, अभी इस पर और ज़्यादा लोड देंगे, अभी हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अब इसका जर्क जो है वो बिल्कुल भी हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे जर्क देने में, सिस्टम के साथ में बुरे से बुरे हालात मैंने पैदा कर दिए हैं। ये देखिए अब इसको हमने बिल्कुल भी जर्क नहीं दिया है, 10 एम्पियर इसका स्टार्ट लोड रहा, 10 एम्पियर का स्टार्ट के बाद में 9.9 एम्पियर, लगभग 2200 वाट का लोड, अभी ये इस टाइम 220 वोल्ट है चूँकि, तो लगभग 2200 वाट का लोड जो है वो इस पर कंटिन्यूसली अब ये चला रहा है।
चूँकि मोटर 3 HP की है तो इसको फुल स्पीड रन कराने के लिए तो हमें मिनिमम 4 kW की रिक्वायरमेंट बनेगी स्टार्ट में, पर चूँकि ये सिस्टम में मैक्सिमम मेरे को दिखाना है आपको कि मैक्सिमम जो है वो सिस्टम हमारा कि कितनी कैपेसिटी का है और कितना लोड ले सकता है, इसीलिए इसके लिए बुरे से बुरे हालात हमने पैदा कर दिए हैं। 3 HP की इस पर मोटर लगा दी है, वो भी वो वाली मोटर जिसको जर्क जिसका दूना होता है, उस बुरे से बुरे हालात में हम लोग टेस्ट करेंगे। ये मैं आपको वीडियो में थोड़ा दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे कि सर हो सकता है आपने कुछ एडिशनल सपोर्ट इसको दे दी हो या फिर कहीं से कुछ और लगा दिया हो। तो आप ये देखिए, ये इन्वर्टर से सीधा आउटपुट मोटर को दे दिया है और इसके ऊपर क्लैंप लगा दी है। अब मैं दोबारा से सिस्टम ऑन कराता हूँ और आप देखिएगा, आप अब इसको कोई सपोर्ट नहीं दिया, मैक्सिमम इसको बुरा हालात पैदा कर दिए। 11 एम्पियर का लोड सिस्टम ने लिया है स्टार्ट में, 10.9 एम्पियर पर भी ये कंटिन्यूसली चल रही है, 10.9, 10.8, मतलब सिस्टम हमारा ट्रिप नहीं हुआ, 10 एम्पियर, 11 एम्पियर तक का हमारा सिस्टम लोड ले रहा है, मतलब लगभग 2400 वाट का लोड इसने ले लिया है हमारे सिस्टम ने। और अभी आप देखिए ये कंटिन्यूस चल रहा है। अभी इसमें क्या है, मैं इसको लड़के को बोलता हूँ कि वो इसमें थोड़ा सा इसको अगर इसका जर्क है क्या बाद में, क्योंकि जर्क स्टार्ट में होता है, बीच में देखेंगे, मैं हाथ लगवा के देखता हूँ कि क्या बीच में भी ये जर्क का कोई फ़र्क पड़ता है। तो मैंने लड़के को बोला है कि वो हाथ मारे मोटर में, देखिए हाथ मारने से इसका मतलब ये कि मोटर को स्टार्ट में जर्क की जरूरत होती है, बीच में अगर आप उसको सपोर्ट देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो सेम 10.4 एम्पियर पे ये हमारा जो है सिस्टम रन कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ये लाइव डेमो है, आप देख लीजिएगा, कहीं से कोई एडिशनल सपोर्ट सिस्टम को नहीं दी गई है, ना सिस्टम बंद हुआ है, ना सिस्टम ओवरहीट हुआ है, और ये हमारा सिस्टम जो है वो 2 बैटरी पे ही आप देखेंगे 2400 वाट तक का लोड इसने ले लिया है। और जैसे कि मैंने अपनी सभी वीडियोज़ में दावा किया था कि हमारे जो सिस्टम है वो इंडिया के सबसे बेहतरीन क्वालिटी में से एक हम लोग सिस्टम बनाते हैं, तो ये लाइव डेमो आप लोगों के लिए बनाया है। तो फ्रेंड्स, आप नेक्सस का कोई भी सिस्टम आप बिना झिझके बिना हिचके आप ले सकते हैं। हमारे जो भी डीलर्स हैं आप डीलर से कांटेक्ट कीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सीधा कांटेक्ट कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए वीडियो मैंने बनाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपने आखिर तक वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद।